सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज है हमारे पास Hyundai Venue नाइट एडिशन। आज हम इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, सभी एडिशनल फीचर्स एंड चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो कि आपको मिलते हैं नाइट एडिशन में ओवर द नॉर्मल वेरिएंट। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, स्पेशल थैंक्स टू चित्तौड़ Hyundai चित्तौड़गढ़ द Hyundai डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दिस इज़ द ऑल न्यू Hyundai Venue नाइट एडिशन। स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को एंड स्ट्रेट अवे हम बात करते हैं प्राइजेस की। तो Venue नाइट एडिशन की प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम ₹10.07 लाख एक्स शोरूम फॉर द बेस वेरिएंट एंड गोज अप टू ₹13.48 लाख एक्स शोरूम फॉर द टॉप वेरिएंट। इसमें आपको सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट्स ऑफर होते हैं, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल या फिर 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल का ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा। तीन वेरिएंट्स हैं, एस प्लस, एस एक्स एंड एस एक्स ऑप्शनल। तो आज है हमारे पास इसका एस एक्स मैनुअल ट्रांसमिशन 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एंड दिस विल कॉस्ट यू अप्रॉक्स 11,33,000 एक्स शोरूम। तो मुझे लगता है ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है नाइट एडिशन में भी। तो ये थी बात प्राइजेज एंड वेरिएंट्स की। अब स्टार्ट करते हैं अपीयरेंस से। तो अपीयरेंस काफ़ी डिफरेंट लग रहा है और इसका जो ब्लैक कलर है वो हम नहीं लेके आए, हम लेके आए वाइट कलर, जिससे कि आपको डिफरेंसेस पता चलें। ब्लैक में तो पता ही नहीं चलता है, सभी चीज़ें ब्लैक हैं, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है तो उसकी वजह से डिफरेंसेस पता चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्रंट में काफ़ी अच्छा ब्लैक फिनिश लग रही है, साइड में आप देख सकते हैं डिफरेंसेस दिख रहे होंगे। तो अपीयरेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है, रोबस्ट फीलिंग आती है देखने में और एक टफ लुक मिल रहा है, माचो अपीयरेंस है। तो ये थी बात इसके अपीयरेंस की। अब स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से एंड बात करेंगे हम चेंजेस की जो कि आपको मिलते हैं नाइट एडिशन में। सो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पे आपको फुली ब्लैक फिनिश में ये ग्रिल मिलती है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ग्रिल है। इवन Hyundai का लोगो भी ब्लैक फिनिश में है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हेडलैम्प सेटअप आपको वही मिलता है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर रिफ्लेक्टर दोनों मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर रिफ्लेक्टर का सेटअप है। यहाँ पे आपको DRL मिल जाती है, काफ़ी शानदार लगती है DRL। हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं। सो ये थी बात इसकी एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लैक फिनिश है पूरी यहाँ तक एंड हो रही है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है इससे अपीयरेंस। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये ब्रास इंसर्ट्स भी मिलते हैं। सो ये ब्रास फिनिश में दे रखे हैं, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली ब्रास बट इसको कलर कह सकते हैं, ब्रास कलर के ये इंसर्ट आपको मिल जाते हैं। तो ये भी थोड़ा डिफरेंट अपीयरेंस दे रहे हैं, डिफरेंट लुक लग रहा है थोड़ा। ये थी बात इसकी। यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में ये नीचे से मिल जाता है, यहाँ पे आपको बॉडी कलर मिलता है। तो आप देख सकते हैं डुअल टोन बन रहा है ब्लैक एंड वाइट का, तो काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट लग रहा है देखने में। तो ये थी बात इसके फ्रंट की। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो डिसेंट है। एक बार इसका इंजन देख लेते हैं हम। सो लेट्स ओपन द इंजन बे। सो डिसेंटली हैवी यहाँ पे हुड मिल जाता है, इंसुलेशन नहीं है क्योंकि काफ़ी रिफाइंड इंजन आपको मिलता है Hyundai का। सो दिस इज़ द SX वेरिएंट। तो इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन एंड ये इंजन प्रोड्यूस करता है 84 PS पावर एंड 113 Nm टॉर्क। अगर इसमें आप 1.0 लीटर टर्बो लेते हैं तो वो आपको पावर देगा 120 PS का एंड 170 Nm का आपको उसमें टॉर्क मिल जाएगा। सो फिट एंड फिनिश आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा डिसेंटली हैवी हुड है तो लगता है मुझे बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी। अभी रिसेंटली Hyundai की वरना ने 5-star ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग हासिल की है, तो Hyundai वालों के हौसले अभी बुलंदी पर हैं। तो हो सकता है कि सभी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, जबकि लोग काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे Hyundai को भी, बट देख के लग रहा है बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। तो ये थी बात इसकी। नाउ कमिंग टू द साइड प्रोफाइल। सो दिस इज़ द साइड प्रोफाइल और आप देख सकते हैं यहाँ से भी काफ़ी अच्छा अपीयरेंस है क्योंकि काफ़ी कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है ब्लैक एंड वाइट का। सो आ जाते हैं फ्रंट में, बट यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिल रहे हैं SX वेरिएंट में। ये एक मुझे थोड़ा सा लगा कि इसमें भी आपको एलॉय व्हील्स होने चाहिए थे। एस प्लस जो कि बेस वेरिएंट है नाइट एडिशन का उसमें नहीं होते तो चलता, बट यहाँ पे भी आपको नहीं मिल रहा है। सो स्टील व्हील है, व्हील कैप है एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ब्रास फिनिश मिल रही है, रेड कैलिपर हैं बट वो इतने ज़्यादा दिख नहीं रहे, एलॉय होते तो ज़्यादा बेटर उनका प्रेजेंस होता। टायर सेक्शन है 195/65R15, सो 15 इंच के स्टील व्हील आपको इसमें मिल जाते हैं। उसके अलावा थ्रू आउट द साइड प्रोफाइल क्लैडिंग है ब्लैक फिनिश में, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। उसके अलावा ब्लैक आउट फिनिश में ORVM है, LED टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है ORVM के साथ, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके अलावा ब्लैक फिनिश में ये पिलर है एंड यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड डोर ओपनर मिल जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर है इसमें
और तो सब चीज़ें बेसिक हैं। ऊपर आपको ये रूफ रेल ब्लैक फिनिश में मिल जाती है, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रास इंसर्ट, तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ऊपर सनरूफ है एंड ब्लैक फिनिश में शार्क फिन एंटेना मिल जाता है। सो ये थी बात इसकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल के बारे में। नाउ कमिंग टू द रियर प्रोफाइल, सो रियर प्रोफाइल में भी सभी चीज़ें अच्छी लग रही हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट है ब्लैक एंड वाइट का। उसके अलावा यहाँ पर ये जो ब्रास इंसर्ट है सो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। नाइट का बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, दिस इज़ द नाइट एडिशन। उसके अलावा वेन्यू की बैजिंग है, हुंडई की बैजिंग है। कनेक्टेड यहाँ पे आपको टेल लैंप मिल जाती है, उसके अलावा यहाँ पे एलईडी टेल लैंप है और सभी चीज़ें हेलोजन है। एंड इस वेरिएंट में आपको डीफॉगर मिल जाता है बट वाइपर एंड वॉशर नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली। हाई एंड स्ट्रॉब लाइट इसमें मिल जाती है। उसके अलावा रियर पार्किंग कैमरा है, रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस है एंड फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। नीचे से भी आप देख लीजिए, सो ओवरऑल फिट एंड फिनिश इज़ वेरी गुड। और बूट देख लेते हैं इसका, सो काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है यहाँ पे आपको। इसके ये काफ़ी अच्छे फ्लोर मैट्स हैं, सो बूट स्पेस अच्छा है। स्क्वायर शेप है तो आराम से सामान ज़्यादा आ सकता है। लोडिंग लिप है थोड़ा हालांकि, बट उसकी वजह से स्पेस अच्छा मिल रहा है। लोडिंग लिप ज़्यादा है बट स्पेस काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि स्टील व्हील ही है, इसकी साइज़ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है साइज़ में। 60-40 स्प्लिट में सीट्स मिल जाती हैं, पार्सल ट्रे यहाँ पे है। सो ये थी बात ओवरऑल इसके बूट स्पेस के बारे में। सो पीछे से कुछ इस तरह का अपीयरेंस है। नाउ कमिंग टू द इंटीरियर, सबसे पहले हम सेकेंड रो सीट में देख लेते हैं क्या क्या फ़ीचर्स मिल रहे हैं। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सभी चीज़ें ब्लैक्ड आउट हैं। ये सॉफ्ट एलिमेंट है, ये सब हार्ड प्लास्टिक है। ये आपको ब्रास इंसर्ट में मिलते हैं। डोर ओपनर, पावर विंडो का स्विच है, यहाँ पे आप 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं। दिस इज़ रियर स्पीकर। नाउ कमिंग टू द सीट, तो सीट के फीचर्स की बात करते हैं। सबसे अच्छा फीचर है 3 हेडरेस्ट मिल रहे हैं, तो 3 लोग बैठ सकते हैं परफेक्टली मतलब, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं तीनों। उसके अलावा ISO फिक्स मिल जाता है फॉर चाइल्ड सेफ्टी। एंड मुझे लग रहा है सीट्स में भी काफ़ी यूनिक इसमें दे रखा है कुछ, सो यू कैन सी इसका सीट का फैब्रिक, तो फैब्रिक है बट यहाँ पे देखिए ब्रास इंसर्ट और यहाँ पे कुछ लेदरेट फिनिश है, यहाँ पे फैब्रिक है, तो सीट्स भी काफ़ी यूनिक देने की कोशिश की है। यहाँ पे भी मुझे ऐसा ही कुछ दिख रहा है, यहाँ पे लेदरेट फिनिश है, यहाँ पे कुछ फैब्रिक है। सो सीट्स की फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छी है। इन अंदर बैठ के देखते हैं कितना स्पेशियस लगता है। वैसे तो इंटीरियर ब्लैक ब्लैक है तो ज़्यादा स्पेशियस फील होगा नहीं, बट फिर भी अच्छा है। यहाँ पे आपको लेग रूम मिल जाता है, नी रूम अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, हेडरेस्ट भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ब्रास इंसर्ट, तो इंटीरियर में काफ़ी जगह ब्रास इंसर्ट आपको मिलेंगे। सो दीज आर द रियर एसी वेंट। उसके अलावा 2 C-type चार्जिंग मिल जाती है फॉर फास्ट चार्जिंग, तो ये एक बात है। हम्प डिसेंट है तो आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं, और 3 हेडरेस्ट देने का रीज़न ही वही है कि 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। सो ये थी बात इसकी। यहाँ पे आपको ग्रैब करने के लिए कुछ मिल जाता है, दिस इज़ रीडिंग लैम्प। सो ये थी बात इसकी ओवरऑल। यहाँ पे पीछे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। अब हम आ जाते हैं ड्राइवर सीट की तरफ, वहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाबी से, और हुंडई की चाबी हमेशा से काफ़ी अच्छी खूबसूरत चाबी आया करती है। और इसमें आपको मिलता है डोर लॉक अनलॉक का ऑप्शन, एक बूट ओपनर है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ कॉफ़ी फिनिश में मिलती है, सो काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके अलावा रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है। सो आ जाते हैं सबसे पहले फ्रंट डोर की बात करते हैं। सो यहाँ पे भी आपको सभी चीज़ें ब्लैक्ड आउट फिनिश में मिलती हैं, सॉफ्ट फिनिश, हार्ड फिनिश। यहाँ पे आपको पावर विंडो के स्विचेस मिल जाते हैं, डोर लॉक अनलॉक का स्विच है, ORVM कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे यही ब्रास फिनिश, यहाँ पे आप कुछ सामान भी रख सकते हैं, 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं, फ्रंट स्पीकर है। कमिंग टू द ड्राइवर सीट, तो यहाँ पे आपको बेटर दिख रही होगी फैब्रिक। सो आप देख सकते हैं फैब्रिक है, लेदर है एंड ब्रास इंसर्ट है, तो काफ़ी अच्छा एक मुझे लगता है कलर कॉम्बिनेशन देने की कोशिश की है हुंडई ने। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है, यहाँ से आप अपना फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं। 3 पैडल हैं, एज दिस इज़ द मैनुअल वेरिएंट, एक फेक पैडल भी थोड़ा बहुत देने की कोशिश की है। यहाँ से आप अपना बोनट ओपन कर सकते हैं, दिस इज़ फ्यूज़ बॉक्स। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे स्विचेज हैं, पुश स्टार्ट इसमें आपको मिल जाता है, ये भी थोड़ा ब्रास फिनिश में है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, एंड ये क्या है, ये कैमरा, आई थिंक रियर कैमरा डायरेक्ट आप ऑन कर सकते हैं, तो क्विक एक्सेस स्विच दे रखा है।
हेडलैम्प लेवलर आपको इसमें मिल जाता है। सो ये सब स्विचेस हैं। अब हम आ जाते हैं अंदर, सो लेट्स कम इनसाइड और इसका थर्ड साउंड सुना देता हूँ मैं आपको। सो कुछ इस तरह का थर्ड साउंड है। सो हियर वी आर, स्टार्ट करते हैं। स्टेयरिंग्स है, सो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पोर्टियर स्टेयरिंग मिलता है, फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है। यहाँ पे भी ब्रास इंसर्ट मिल जाते हैं, सो ब्लैक एंड ब्रास का कॉम्बिनेशन है, प्लस यहाँ पे स्टिचिंग भी ब्रास की है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके अलावा इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं, फ़ोन के कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ से आप अपनी MID को कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे। एंड हाइट एडजस्टेबल ये है, और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल नहीं है स्टीयरिंग, सो हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं इस स्टीयरिंग की। उसके अलावा यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपके हेडलैम्प कंट्रोल्स हैं, एंड ऑटो हेडलैम्प का ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है। अब हम आ जाते हैं MID एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो यहाँ पे आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, यहाँ पे आपको मिल जाती है स्पीड, यहाँ पे आपको मिल जाता है टेकोमीटर, उसके अलावा बीच में MID है, इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो ड्राइव इन्फो है, दिस इज़ कंपास, यहाँ पे आपको TPMS भी मिल जाता है जो कि एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे फ्यूल गेज है, यहाँ पे टेम्परेचर है, दिस इज़ ओडोमीटर, एंड यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर मिल जाता है। सो ये थी बात इसकी। फिट एंड फिनिश के मामले में Hyundai Venue में कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, एंड ये जो ब्रास एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं इसकी वजह से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी ब्रास फिनिश है, यहाँ पे ब्रास फिनिश है, स्टेयरिंग पे ब्रास फिनिश दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देने की कोशिश की है, हालांकि ब्लैक फिनिश में इंटीरियर है तो थोड़ा सा स्पेशियस कम लगता है इंटीरियर, हालांकि मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्लैक फिनिश में। सो ये थी बात इसकी। एक इसमें एडिशनल फीचर आपको मिलता है, वो है डैश कैम। सो इसमें आपको डुअल कैमरे के साथ ये डैश कैम मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छा एक फीचर है सेफ्टी का, जो कि आजकल Hyundai की टॉप एंड वेरियंट्स में ज़्यादातर आ ही रहा है। सो ये थी बात इसकी। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छा ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है, इसमें आपको SOS, ब्लू लिंक और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। सो ये थी बात इसकी। यहाँ पे आपको वैनिटी लाइट्स मिल जाती हैं, एंड उसके अलावा वन टच सनरूफ आपको इसमें मिल जाती है, सो यू कैन सी, सो बढ़िया है, रोशनी हो गई है। अब हम करते हैं यहाँ का रिव्यू, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी कम दिख रही थी। सो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट मिल जाता है, फुली टच स्क्रीन है, और इसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको इसमें मिल जाता है, ब्लू लिंक का ऑप्शन है, क्विक एक्सेस के स्विचेज हैं, दिस इज़ द स्विच फॉर हैजार्ड लाइट, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें मिल जाता है, एक छोटी सी स्क्रीन है जिसमें आपको टेम्परेचर एंड फैन की स्पीड पता चल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आई थिंक आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, फ़ोन रख के देख लेते हैं अपना। सो फ़ोन रखेंगे, सो यस, वायरलेस चार्जिंग आपको इसमें मिल जाती है, दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके अलावा भी सारे ऑप्शन हैं, USB है, सी टाइप है, 12 वोल्ट भी है, सो और क्या चाहिए, इतने सारे फीचर्स हैं, आप सभी से चार्ज कर सकते हैं, लगभग 5-6 फ़ोन आप चार्ज कर सकते हैं इस फ़ोन में। पीछे आपको 2 सी टाइप मिल जाते हैं, यहाँ पे 3 हैं प्लस ये, तो ऑलमोस्ट 6 फ़ोन आप एक साथ चार्ज कर सकते हैं, सो दिस इज़ माइंड ब्लोइंग फीचर। सो ये थी बात इसकी। मैनुअल यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन मिलता है, 5-speed गेयरबॉक्स है। अब 1.0 लीटर में जाएंगे तो उसमें आपको 6-speed मैनुअल मिलता है, या फिर DCT का ऑप्शन मिलता है, सो वो एक बात है। दिस इज़ पार्किंग ब्रेक, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है विथ डिसेंट स्टोरेज, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं आप। उसके अलावा यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पे भी आप कुछ सामान रख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, एंड दैट्स ऑल विद द इंटीरियर। और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको नाइट एडिशन का इंटीरियर कैसा लगा, Hyundai Venue नाइट एडिशन का। ओवरऑल मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, सनरूफ भी काफ़ी अच्छी है इसमें से, अच्छा एरी एरी फील हो रहा है अब इंटीरियर, क्योंकि ब्लैक में थोड़ा सा कम एरी फील होता है। सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग्स आपको इसमें मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है, TPMS एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी जो है वो आपको इसमें मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने बता ही दिया है। उसके अलावा एक कैमरा चला के देख लेते हैं एक बार, सो क्विक एक्सेस का स्विच है वो, अगर आपको रियर कैमरा डायरेक्ट स्टार्ट करना है तो। सो ये थी बात Hyundai Venue के नाइट एडिशन के बारे में। एंड आज हमारे पास इसका SX वेरिएंट था, जो कि मुझे लगता है कि सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि इसमें आपको सभी फीचर्स मिल रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ है डैश कैम, वो भी आपको इसमें मिल रहा है, और प्राइस बहुत अच्छी है इसकी। बट इसमें एक चीज़ मुझे कमी लगी, डीजल वेरिएंट देना चाहिए था Hyundai को, ओनली पेट्रोल का ऑप्शन है। बट जो लोग पेट्रोल इंजन लेना चाहते हैं उनके लिए तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है Hyundai Venue नाइट एडिशन। इसमें आपको काफ़ी अच्छे कॉस्मेटिक चेंजेस मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, सेफ्टी एड ऑन मिल रही है, सो
ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ट्राई आउट करिए, शोरूम पे जाइए, डीलरशिप पे जाइए, टेस्ट राइड करिए, इसके फीचर्स देखिए। सो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट Hyundai Venue Night Edition। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज़।